हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई, हिंदी रैपर। तो आज के हाउ टू रैप के पहले सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि रैप होता क्या है। रैप क्या है उसे समझने के लिए आपको पहले मैं बता दूं कि रैप की फुल फॉर्म क्या है। R.A.P. ये तो आपको पता ही होगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, R.A.P. और E भी लिख देते हैं, पर हमें कभी ऐसा नहीं लिखना, ये बहुत ही गलत हो जाएगा। हमारे इंडिया में तो खासकर ऐसा हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ मारपीट हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि ई नहीं लगाना आप लोगों को। अब हम बात कर लेते हैं, आर का मतलब होता है रिदम और ए का मतलब है एंड और पी का मतलब है पोइट्री। तो रिदम एंड पोइट्री, होप आपको दिखाई दे रहा होगा साफ। रिदम एंड पोइट्री, बस आपको ये बात दिमाग में रखनी है। उसके बाद आपको देखना है कि आप रिदम शुरू करना है या पोइट्री शुरू करनी है। तो हमारे क्लासेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें शुरू करना है पीछे से, पोइट्री शुरू करनी है पहले। वो क्यों? क्योंकि पोइट्री लिखने का एक पार्ट है। हमें पहले शायरी लिखना, पोयम लिखना, कोई भी कविता लिखना आना चाहिए, उसके बाद ही हम रैप में घुस सकते हैं। क्योंकि रैप के अंदर हमें रिदम के ऊपर चलना पड़ता है। इसके अंदर कोई शायरी ऐसी नहीं होती या कोई स्टाइल ऐसा नहीं है कि बिना विदाउट बीट आप गाएंगे। विदाउट बीट आप गा सकते हैं, पर उसको हम फ्री स्टाइल बोलेंगे और एक एंटरटेनमेंट पर्पस पे भी यूज़ किया जाता है। तो हमें मेनली वो सब बातें छोड़ के पहले शुरू करते हैं पोइट्री के लिए। पोइट्री को हम अभी शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप पहले नर्सरी राइम्स को समझें। नर्सरी राइम्स यानी कि जो छोटे बच्चों को हम राइम्स सिखाते हैं, छोटे बच्चों यानी कि KG LKG। तो हम पहले एक लाइन लगा देते हैं जो हमारी एक लाइन ही है, जैसे कि रैप की कोई लाइन लिखते हैं, दूसरी लाइन लिख लेते हैं। अभी हम दो लाइंस करेंगे और यहाँ पर जो छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ ये हमारे राइम का पार्ट है। तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा, जैसे कि एक शुरुआत करने के लिए एक आर्टिस्ट एक रैप को शुरू करने के लिए छोटी छोटी बातों पे ही गौर करता है पहले, वो प्रोफेशनल नहीं होता है। तो हम उसी बिहाफ पे करेंगे कि वो बोलता है कि मेरा नाम गुरु, आज काम शुरू, ऐसे ऐसे वो राइम बिल्कुल बेसिक यूज़ करता है। तो हम भी कुछ ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे कि मेरा नाम गुरु है तो शुरू, क्योंकि वो नाम से ही ज़्यादातर यूज़ किया जाते हैं स्टार्टिंग में। या अगर मैं बोलूँ कि रैपिंग मेरा काम और गुरु मेरा नाम, ये बिल्कुल एकदम इजी है। तो मैं लिखता हूँ रैपिंग मेरा काम और गुरु मेरा नाम। आपने देखा रैपिंग मेरा नाम और रैपिंग मेरा काम, गुरु मेरा नाम। तो अब क्या है, ये हमारी पहली लाइन मान लेते हैं हम उसको। याद रखना मैं बोल रहा हूँ मान लेते हैं, अभी प्रॉपर आगे बात की जाएगी। अब राइम्स के लिए ये जो राइम है वो है ए राइम्स और ये जो नाम है वो भी है ए राइम्स। अब ये ए राइम्स इसलिए है क्योंकि हमारी एक जैसी जो राइम्स साउंड करती है वो हमारी ए राइम्स मानी जाती है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे वो नीचे जाती जाएगी वो बी आ जाएगी और सी आ जाएगी। नीचे जाने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कोई और लाइन हो और उसका राइम हो जैसे कि उसमें रू आ जाता है, जैसे गुरु, राइम में गुरु आ जाता है, तो वो बी राइम्स मानी जाएगी, ओके। और अगर ये नीचे आ जाती है शुरू, तो ये बी राइम्स मानी जाएगी। होप आपको पता लग रहा होगा। तो अभी हमें ए राइम्स के ऊपर काम करना है। मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए, ताकि आपको सोचने का भी मौका मिले। अब जब हम ए ये दो राइम्स मिला देते हैं तो हमारी एक लाइन बन जाती है बीट्स के अकॉर्डिंग। पर जब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो इंसान क्या करता है, ये छोटे छोटे शब्दों को एक लाइन समझ लेता है।
पर एक्चुअल में ये हमारी एक लाइन नहीं है, ये हाफ है और ये भी हाफ है, इसीलिए मैंने बोला था हम मान लेते हैं। तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे वन और टू, तो ये दोनों ये मिक्स हो जाएंगे, तो एक लाइन मानी जाएगी। अब एक लाइन कहने का मतलब है, अब हम बीट पे गा के देखते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए कि हमारी बीट के अंदर चार क्लैप्स होती हैं, जैसे वन टू थ्री फोर, तो हमें रैप करने के लिए इन्हीं बीट के स्ट्रक्चर के ऊपर अपनी रिदम को सेट करना पड़ता है। तो ये जो मैं वन टू थ्री फोर कर रहा हूँ, ये हमारी रिदम है। अब जैसे मैंने ये शब्द लिखे हैं, तो ये मेरी समझ लो दो लाइन्स हैं, या आप एक लाइन समझ सकते हो, पर ये हमारी पोइट्री है जिसे हम नर्सरी राइम्स में गिनते हैं। अब हम बीट के ऊपर जब गाएंगे तो गाएंगे ऐसे, रैपिंग मेरा काम, गुरु मेरा नाम। तो ये बजी कितनी क्लैप्स मेरे हाथ से, चार बार, जैसे गिनते रहना आप साइड बाइड, रैपिंग मेरा काम, गुरु मेरा नाम, तो ये चार बार क्लैप हुआ। तो ये हमारी जब चार बार क्लैप्स होती है तो हमारी एक लाइन मानी जाती है। तो अब एक बेसिक इंसान तो दो लाइन समझ रहा है, तो हमें इसको और ज़्यादा कंप्लीट करने के लिए फिर दोबारा लाइंस लिखनी पड़ती है और ज़्यादा, तो हमारे को चार लाइंस लिखनी पड़ती है। पर अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इतने से स्ट्रक्चर के लिए, तो हम इतना ही मान के चलते हैं। अभी हम इसी को हेर फेर करेंगे। अब मान लेता हूँ कि मुझे ये लाइन इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही, तो मुझे राइम्स और चाहिए। तो और राइम्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए से शुरू करना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ, ये सभी राइम्स के अंदर आएगी। जैसे कि ए से, अब वहां पर कैसा था रैपिंग मेरा काम, तो मैं समझ लेता हूं कि यहां पे आम बनेगा, ए से आम बनेगा, और बी से बनेगा बाम, सी से चाम, डी से दाम, ई से इनाम, एफ से फरमान। अब देखो हमने बिल्कुल इजी तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव राइम्स बना ली है। अब मैं यहां पे लगाने की कोशिश करूंगा, पहले लगा के देखता हूं, रैपिंग मेरा आम, ये तो अच्छा नहीं लगेगा, रैपिंग मेरा बाम, ये भी अच्छा नहीं लगेगा, रैपिंग मेरा चाम, ये भी शायद ना अच्छा लगे, दाम, तो अब रैपिंग मेरा दाम, रैपिंग मेरा इनाम, तो इसके अंदर रैपिंग मेरा इनाम थोड़ा बेटर लग सकता है, अगर मैं यहाँ पे इनाम कर दूँ, नर्सरी राइम्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छा लगेगा रैपिंग मेरा इनाम, गुरु मेरा, और देखो यहाँ पे आम बाम चाम दाम, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो कोई भी इनमें से मैच नहीं कर रहा, आप और भी ज्यादा लिख सकते हो, पर अगर आप चाहते हो इन्हीं राइम्स में से कोई ना कोई मैं यूज कर लूँ, मान लो मुझे फरमान बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर मैं शब्द यूज करूंगा तो कुछ नया लगेगा, मतलब कि कुछ नया शब्द हो जाएगा, थोड़ा प्रोफेशनल में चला जाएगा, तो मैं बना दूंगा कुछ लाइन्स कटिंग करके, रैपिंग मेरा इनाम, गुरु का फरमान, या तो आप कर सकते हो जो गुरु का फरमान, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे जो ऐड कर देता हूं, और यहाँ पे का फरमान, रैपिंग मेरा इनाम, जो गुरु का फरमान। अब आपको इतना समझ आ गया कि ये लाइन कैसे गई और ये लाइन कैसे गई, और हमने बीच में ऐड कर दिया जो। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब हम रैप लिखने लगते हैं तो हमें कई बार ये चीजें भी अच्छी नहीं लगती, जो ऊपर है वो नीचे, तो हम क्या कर देते हैं, रिवर्स यूज करते हैं। मींस कि जो हम यहां पर लिख रहे हैं वो लाइन जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी कि गुरु का फरमान, जो रैपिंग मेरा इनाम। देखो अब लाइन कुछ और बन गई और हमारी लाइन और थोड़ी प्रोफेशनल में आ गई है, मतलब कि आपने रैप को जितना डिफिकल्ट, और मतलब कि डिफिकल्ट तो कह सकते हो, पर आपने लिरिकिज्म के हिसाब से डिफिकल्ट रखो और लोगों के हिसाब से आप थोड़ा इजी रखो, क्योंकि
गुरु का फरमान जो रैपिंग मेरा इनाम। अगर आपको और भी अच्छा ना लगता तो यहाँ पे मेरा काट के यहाँ पर भी का करके देख लो, जैसे हमने पहले मेरा मेरा किया था, अब इसमें का करके देख लो, रैपिंग का कर दो इसमें, ठीक है। जैसे गुरु का फरमान जो रैपिंग का इनाम, फिर आगे आगे लाइन बनाते जाओ और जोड़ते जाओ। आप मान लो कि आपकी और भी ज्यादा लाइंस बन जाती है कि यहां पर भी आपने कुछ लिखा और यहां कोई राइम्स है, यहां लिखा ये राइम्स है, तो आप उसके अंदर भी कुछ भी कर सकते हो। ये नीचे वाली लाइन ऊपर ले जा सकते हो, ऊपर वाली नीचे ले जा सकते हो, तो यहां पर 3 और 4 बन जाएगी लाइंस। तो यहां पे लाइंस का कोई भी हिसाब नहीं रहेगा कि आपने किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, वो आपकी मर्जी पर चलेंगे कि आपको किसे ऊपर रखना है, क्योंकि आपने अपनी राइम्स को इजी बनाने के लिए और अपनी बात को समझाने के लिए ऊपर और नीचे रखना है, तभी आपको समझ आएगा कि रैप का जो फॉर्मूला है वो कैसे कैसे काम करता है। अभी आपको डिफिकल्ट लगेगा, पर ये इजी स्टेप है जो मैं आपको वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। अगर आपको लगता है कि ये सब भी मतलब कि मुझे मुश्किल लग रहा है, लिखने में मुश्किल लग रहा है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप जो बचपन में हमें पढ़ाई गई, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो उसके अंदर कितना है समझ लो, मछली, एक एग्जांपल ले लो, मछली जल की रानी, ओके, जीवन उसका पानी। तो क्या होगा कि यहां पे जो राइम्स आई है वो हमारी राइम्स हैं, रानी और पानी। इसी तरह आपको उसे पढ़ना है और समझना है कि अगर मेरे पास राइम्स अगर रानी और पानी है और स्टार्टिंग की लाइन को अगर मैं हटा दूं, जैसे उसमें बोला गया मछली जल की रानी है, तो मछली जल की इतना सा शब्द आप डिलीट करके अपना रानी के साथ कोई और बात जोड़ो, समझ रहे हो, या समझ लो उसमें एक जोड़ दिया गर्लफ्रेंड मेरी एक रानी है, समझ रहे हो, या कुछ भी ऐसे शब्द जोड़ने हैं जिसके अंदर आपकी राइम इसके साथ जुड़ जाए। तो आपको एक वर्ब यूज करना पड़ेगा, वर्ब समझते हो, वर्ब होती है क्रिया, एक ये ग्रामर का शब्द है और हमारी असल जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप इस बात को समझना कि जब भी इतने पार्ट को हम यूज करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम वर्ब बोलते हैं, जिसे हम क्रिया बोलते हैं, और इतने से शब्द को जब यूज करना होता है तो हम उसको वर्ड बोलते हैं। वर्ड्स मतलब शब्द, ये मेन हमारा एक हाइलाइटेड होता है और ये हमारी एक फीलिंग होती है और फिलर होता है, समझ रहे हो, एक फीलिंग और फिलर होता है। अगर आप इस बात को कहानी बनाओगे तो ये हमारी फीलिंग के साथ जुड़ेगी, किसी के साथ भी जुड़ेगी, और वहां पर आपका ये वर्ब जुड़ेगा और उसके साथ आप अपनी फिलर यूज करोगे, फीलिंग के साथ फिलर। फिलर कहने का मतलब है जो भी खाली स्थान होते हैं जिनको हम फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपने ये चीज भरनी है जो वर्ब है, फिल इन द ब्लैंक्स, समझ रहे हो बात, और ये चीज है हमारा वर्ड्स जो हमारा हाईलाइटेड है। और अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मैं ये चीज बहुत जल्दी समझ चुका हूं, तो मेरा ये मानना है कि आप इसके अंदर जो वर्ड है वो यहां रिवर्स कर दो और वर्ब को यहां रिवर्स कर दो। ये रैप के अंदर यूज किया जाता है, रैप के अंदर तुकबंदियों को और अपने वर्ब को, स्टाइल को और अच्छा बनाना होता है, जितना ज्यादा उनका एक पोटेंशियल लगता है उनको, और जितना ज्यादा आप इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करोगे उतना ही ज्यादा आपका रैप प्रोफेशनल माना जाएगा और उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन पैदा करेगा और उतना ही ज्यादा लोग सोचेंगे कि आपने ये चीज लिखी कैसे, ऐसा क्या दिमाग लगाया जो आपने ये चीज लिख ली, और लोगों को लगेगा कि आपने स्ट्रेट लाइन लिखी है पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आपने लिखा स्ट्रेट ही था पर उसको आपने जानबूझ के उल्टा कर दिया ताकि वो एक मल्टीपल राइम्स बन सके या एक चेस राइम्स बन सके। चेस यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो नीचे है ऊपर कर दिया, ऊपर को नीचे कर दिया, लेफ्ट को राइट कर दिया, ये एक तरह से चेस जैसा हो जाता है कि आप उसको एक खेल रहे हो और उसके साथ अपनी अपनी बातें बनाते जा रहे हो। तो अभी बस यही है, अभी आपको ये इजी लगेगा
या इजी ना भी लगे पर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगली वीडियो के अंदर हम और डिटेल में बात करेंगे और बड़े राइम्स के साथ बात करेंगे और भी बड़ी लाइंस को यूज़ करेंगे और उसके अंदर और भी बातें देखेंगे कि क्या क्या अभी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अभी बस यही था वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने और भी रिकमेंडेड फ्रेंड्स को कहें कि अगर किसी को भी क्लास चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। और डिटेल्स के साथ हमारे प्रोग्राम्स भी चलते हैं जिसके अंदर हम 4 से 6 घंटे के अंदर आपको काफ़ी डिटेल्स के साथ ट्रेनिंग्स भी देते हैं। तो अगर वो भी चाहिए तो आप वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो पर्सनल होगी, वो कॉल के दौरान आपसे डिटेल्स ली जाएगी, उसके बाद अरेंज किया जाएगा, उसके बाद वो टाइम टेबल सेट किया जाएगा। उस टाइम टेबल पे आपको अवेलेबल रहना है और वो हमारे साथ पर्सनली क्लास में आप आ सकते हो। तो हैव अ नाइस डे। जय हिंद।